पिछले दिनों एक कविता सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही। ये दलित दस्तक में प्रकाशित भी हुई थी। ये कविता थी भीमराव का दलित नहीं यह गांधी जी का हरिजन है। दर्शकों से पूछना है कितने लोगों ने सुनी है ये कविता। वाह, तो अब जरा संभल कर बैठ जाइए। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो जब कविता पाठ के लिए खड़े होते हैं तो समय जैसे ठहर सा जाता है। हम बुलाना चाहेंगे सूरजपाल चौहान जी को। दलित दस्तक इस बात के लिए उनका आभारी है कि जब हमने सूरजपाल सर से इस कार्यक्रम में कविता पाठ के लिए आग्रह किया तो उन्होंने इसे स्वीकार किया। जोरदार तालियों से स्वागत करिए सूरजपाल चौहान जी का। अब मैं दो बातें जोड़ दूं यहाँ पे। सूरजपाल चौहान जी अभी अभी दांत का ऑपरेशन करवा के आ रहे हैं और चूंकि इस कार्यक्रम में इनको आना था तो इनकी स्थिति नहीं थी आने की, फिर भी ये आए। और दूसरा, आनंद सर का बहुत धन्यवाद जो लगातार बीमार चल रहे थे, लेकिन जब हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आज रहना है क्योंकि उनके बिना चीज़ें अधूरी रहती, तो वो भी तमाम बीमारी के बावजूद, तमाम दिक्कतों के बावजूद आज यहाँ मौजूद हैं। सूरजपाल चौहान जी, आप सभी को सादर भाई जय भारत। बड़ी असमंजस की स्थिति में हूं कि अपनी बात कहां से शुरू करूं। बहुत अच्छा लग रहा है आप जैसे श्रोताओं को पा करके, और अभी ऑपरेशन करा के सीधा मैक्स से आ रहा हूं मैं। मैंने कहा कार्यक्रम में पहुंचूंगा जरूर, जहां कविता की बात हो, अपने दलित समाज की बात हो। कविता पढ़ने से पहले कुछ लोग अपने जैसे मन के उद्गार भाषण से प्रेषित करते हैं, बात वही है, मैं कविता से करता हूं। लेकिन कुछ एक बात जो अभी चला है सहारनपुर सबीरपुर वाला, उसमें मैं रस्ते में सोचता आ रहा था बोलूं ना बोलूं, लेकिन अपने ही समाज के लोगों के साथ बात ना की जाए तो ये भी अच्छा नहीं है। बाबा साहब ने हम सबको एकता के सूत्र में बांधा, जीवन भर संघर्ष करते रहे, हमें उन्होंने एक शेड्यूल में बांधा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स। बहुत दिनों से परेशान हूँ, लड़ाई लड़नी अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे हमें हम लोग बहाव में बह जाते हैं, हमारे आंदोलन दिग्भ्रमित हो रहे हैं। कल को धोबी लिखेगा द ग्रेट धोबी, कल को पासी लिखेगा द ग्रेट पासी, भंगी भी लिखेगा द ग्रेट भंगी। ये सब क्या है? द ग्रेट चमार। बाबा साहब ने तो हमें चीजों से दूर रहने की बात कही है, शिक्षित किया है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, 403 में से 19 सीटें आई हैं। हमें अपने गरिबान में भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें दूसरों की बुराई, हम ब्राह्मणवाद को कोसते रहेंगे कविताओं के माध्यम से या अपने भाषणों में, हम क्या कर रहे हैं? कभी गंभीर होकर सोचा है? मैं सोच रहा था मैं इस बात को कहूं ना कहूं कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये मेरी बात, हम कहीं बाबा साहब के बताए हुए मार्ग से दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। ये क्या है? सब पढ़े लिखे लोग मेरी समझ से तो बाहर है। ये मेरे अपने विचार हैं, आप सोचिए इसके बारे में। क्या बाबा साहब ने हमें यही सिखाया था
कि नकली बौद्धों की भी सुन लो कथनी करनी में अंतर, बात कर रही है बौद्ध धर्म की, घर में पड़े वेद मंत्र। बाबा की तस्वीर लगाते इनकी मैया मरती है, यह दलितों की बस्ती है। बोतल महंगी तो क्या है, देसी थैली सस्ती है, यह दलितों की बस्ती है। तू चूड़ा और मैं चमारू, यह खटी कर वो कोली, यही द ग्रेट चमार वाली बात आ गई कि तू चूड़ा और मैं चमारू, यह खटी कर वह कोली, एक तो कभी हम बन ना पाए, बन गई जगह जगह टोली। पुरखों को जिसने मारा उसी की कैसिड बस्ती है, यह दलितों की बस्ती है। कि ब्रह्मा विष्णु इनके घर में कदम कदम पर, जय श्री राम रथ जगा शेरावाली का, करते सत्य कथा सत्यनारायण। आप देखिए कि हिंदू धर्म अगर आज जिंदा है ना, वो हमारी वजह से है। अगर आज हम इसको ढूंढना छोड़ दें तो ये एक दिन में नष्ट हो जाएगा। लेकिन यात्राओं पे जाने वाले सबसे ज्यादा दलित हैं। पैसा जेब में नहीं होता तो कर्जा लेके जाते हैं कि हर महीने वृंदावन दौड़े माता वैष्णो छह छह बार, गुड़गावा की जात लगा तो सोमनाथ को अब तैयार, बेटी इसकी 4 साल से 10वीं में ही पढ़ती है, यह दलितों की बस्ती है। बहुत बुरा हाल है समाज का, हम पढ़े लिखे लोग भी दिख भिरभित हैं। क्या हो रहा है ये सब, कविता पढ़ते हैं, तालियां बजाते हैं, सुन के चले जाते हैं और तालियों से स्वागत कर देते हैं, लेकिन वो क्या रहा। फिर एक बात याद आ गई, फिर लोग नाराज होंगे, लेकिन मैं कहने से नहीं चुकूंगा। सर हम पढ़ लिख गए, अपने घरों में बनेनिया ला रहे हैं, होड़ लगी हुई है पंडिताइन बनेनिया लाने की, मेरे समाज की बहन बेटियां कहां जाएंगी। हम आपस में दलितों में विवाह संबंध क्यों नहीं है। 70 साल हो गए आजादी को, नकली बुद्धिस्ट बने हुए हैं, आपस में शादी ब्याह नहीं करते, बहन बेटियों का कोई रोटी बेटी का संबंध नहीं है। कर लो हॉट ऐसे हॉल में आके बैठ लो, मेरी कविता सुन के चले जाओ, ताली पीट के करना कुछ मत। क्यों भाई खटीकनी से या भंगन से या चमारी से हम आपस में रिश्ते क्यों नहीं करते, हम ब्राह्मणियां लाने की होड़ में क्यों लगे हुए हैं। दूसरों पे दोष देते हैं हम, हाय ब्राह्मण ने मार डाला, ब्राह्मणवादियों ने हमें मार डाला। कि डोरी लाल इसी बस्ती का नाम था उसका, डोरी लाल, वो पढ़ लिख करके डी लाल लिखने लगा। कि डोरी लाल इसी बस्ती का कोटे से अफसर बन बैठा, उसको इनकी कड़ी क्या पड़ी, अब वो दूजों में जा बैठा। बेटा पढ़ लिखकर शर्मा जी, बेटी बनी अवस्थी है, यह दलितों की बस्ती है। कि मैं भी लिखना सीख गया हूं गीत कहानी और कविता, मैं भी लिखना सीख गया हूं गीत कहानी और कविता, इनके दुख और दर्द की बातें मैं भी भला कहां लिखता, कैसे पाऊं ज्ञानपीठ में चिंता यही खटकती है, यह दलितों की बस्ती है। हमारे राइटरों का भी यही हाल है, हुक्का भर रहे हैं वामपंथियों का, चमचागिरी कर रहे हैं पुरस्कार मिल जाए, पुरस्कार की लाइन में लगे हुए हैं, समाज की किसी को चिंता नहीं है। कि बेटा है बजरंगी बल में, बाप बना भगवाधारी, भैया हिंदू परिषद में है, बीजेपी में महतारी। नौ दुर्गे में इस बस्ती के, घर घर ढोलक बस्ती है, यह दलितों की बस्ती है। मैं तो पता नहीं कितने साल से रिपीट कर रहा हूं। कि इस बस्ती के घर घर में रोज महाभारत मस्ता, करवा चौथ पे बरती रहती, कैसी तू क्यों ना भरता। लात और घूसा चले रात दिन, रो रो उम्र गुजरती है, यह दलितों की बस्ती है। बहुत मन से निकली हुई, परेशान होकर लिखी हुई कविता है। जब हम कहीं जाते हैं, त्रिलोकपुरी या खिचड़ीपुर की बात है, मैं एक अपने लोगों में
ऐसे ही बाबा साहब की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार की बात कर रहा था। पिन ड्रॉप साइलेंट था जैसे अभी है। मेरी बात को लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैंने सोचा मेरी बातों का प्रभाव पड़ रहा है। एक आदमी उठा कुर्ते की बाजू ऊपर करते हुए, और किसी चमार का दिखा है ये तो बाबा साहब की बात कर रहा है, किसी चमार का ला गए। अब उन महामूर को यही नहीं पता कि बाबा साहब चमार थे कौन थे। ये हाल है समाज का कि ब्याह बारात में बलि चढ़ाते, मुर्गा घेंटा और बकरा, बेटी का जब देख करे तो मांस पकाते देख भरा। जितने ज्यादा देख बनाए उसकी उतनी हस्ती है, यह दलितों की बस्ती है। बहन बेटी का जब मेक कर रहे हैं तो दारू के साथ, हम लोग पढ़ लिख कर उनको नहीं समझाते, अरे ये नहीं समझने वाले यार, ये नहीं सुधरने वाले। कभी उनके बीच में जाके काम किया है? नहीं किया। मैंने नीली कमीज और सफेद पैंट पहन ली, मैं अफसर बन गया, बस मुझे अपने से मतलब है। कभी उनके बीच में जाके काम किया हो, उन्हें समझाया हो कि भाई भाई बाबा साहब कौन थे? नहीं, उनके बीच में जाने में घृणा आती है उन्हें। हम सल्लूकास कहलाएंगे, घर में ब्रह्मा विष्णु की तस्वीर लगाएंगे, बाबा साहब की नहीं लगाएंगे, क्योंकि आने वाला देखेगा, अरे अच्छा बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है, सल्लूकास होगा। ये बात सच है कि नहीं है? आप जैसे कितने हैं? बहुत अच्छी बात है। कि मठ मंदिर के फेर में इसकी है मति भंग, मठ मंदिर के फेर में इसकी है मति भंग, बाबा साहब को भूल कर बजा रहा मृदंग। कि बामन, आप तो मेरे अपने समाज के हैं तो तालियां पीट रहे हैं। जब बामन लोग या गैर दलित मेरी कविताएं सुनते हैं तो क्या हाल होता है उनका? कि बामन मुझको देखकर मारे विश्वफुकार, एकदम कि बामन मुझको देखकर मारे विश्वफुकार, मैं भी डटकर सामने रहा उसे ललकार। आ जा बेटा, बहुत सताया तुमने, गप्पी साहित्य लिख लिख करके बहुत इतराए। अब दलित साहित्य सच्ची बात लिखता है तो पोल खोलता है, पोल खोलता है तो इनके सीने पे सांप लौटता है। छठी शताब्दी के बाद दलित साहित्य में एकदम सन्नाटा है। ये तो बाबा साहब की कृपा से हम लोगों के हाथों में कलम आ गई, पढ़ लिख गए, अब इनकी पोल खोलने लगे तो इनको बेचैनी है। ऐसी बात भी नहीं है, मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं। हम लोग बहुत वीर पुरुष हैं, कर्मठ हैं। हमारे समाज में कबीर साहब हुए हैं, रविदास हुए हैं, पता नहीं कितने वर्ष पहले वो समता की बात कर गए, ऐसा चाहूं राज में, जिसको ये आज बोल रहे हैं। हमारे पुरखे तो पता नहीं कितने 400-500 साल पहले, 600 साल पहले ये बात बोल गए कि इस देश के आला उदल हम, आजादी के तीर चलाए, बनकर बिरसा मुंडा हम, हम एकलव्य की संतान है, लक्ष्य भेदना हम जाने, बबरीक धुरंधर के आगे, दुश्मन रहा छोड़ भागे, हम मान सम्मान के सर रक्षक, हम वीर देश के हैं रक्षक। ऐसी बात नहीं है कि दलितों की बस्ती आई। आजादी की लड़ाई में हमारे कितने वीर पुरुष हुए हैं, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कलम नहीं चलाई। जलियांवाला कांड के ये बड़े उससे बात करते हैं गर्म जोशी के साथ। आपको पता है वहां 200 आदमी थे उस जलियांवाला बाग में, मात्र 200 आदमी, और उसमें 185 मरने वालों में 185 दलित थे। और उस सभा का नेतृत्व कौन कर रहा था? बुद्धराम चूड़ा और नथु धोबी। लेकिन इतिहास में उसका नाम नहीं है कहीं भी। क्यों कहेंगे ये, क्यों करेंगे ये? इनके हाथ में कलम थी। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, बड़े मनोयोग से सुना, मैं आप सबका आभारी हूं। बात तो बहुत लंबी करना चाहता था, बहुत सारी कविताएं लेके आया जेब में रख करके, लेकिन मतलब की कविता मैंने सुना दी आपको।
रोज सवेरे मंदिर जाता करता है, मंगल उपवास शनिदेव की करे अर्चना, बेटा इसका राम निवास, जय जगदीश हरे आंगन में, घर में इसके कीर्तन है, भीमराव का दलित नहीं है, यह गांधी का हरिजन है। कि लंबा मीटर तिलक बाहर पर हो तेरे की, इतना बड़ा तिलक लगाते हैं पंडित भी शर्मा जाता है इनके आगे। कि लंबा मीटर तिलक भाल पर सुतली डोर गले डाले, हाथ कलावा बांधा फिरता मटरू का पोता काले। इसके आगे शर्माता पंडित रामचरण है, भीमराव का दलित नहीं है, यह गांधी का हरिजन है। इसको तो कुछ पता नहीं है स्कूल कॉलेज क्या होता, देसी थैली डाल हलक में दिन भर गफलत में रहता, बच्चे इसके अनपढ़ रह गए, ज्ञान का खाली बर्तन है, भीमराव का दलित नहीं है, यह गांधी का हरिजन है। जो गांधी का हरिजन बना हुआ है उसकी हालत आज भी वही है कि अम्मा इसकी अमरनाथ में मर गई पत्थर के नीचे, बरम में दबकर बाम बनाया मानसरोवर के पीछे, विष्णु देवी भैया खोया आया इस पर दुर्जन है, भीमराव का दलित नहीं है, गांधी जी का हरिजन है। सच कि सच्ची बात बताता है इसको, उसी को आंख दिखाता है, भगवा रंग में सराबोर ये गीत राम के गाता है। कोई समझाओ ना इसको, पागल है ये, दुनिया भगवान को मानते हैं, ये भगवान को गाली देता है, क्या करें। आपका बहुत बहुत आभार, बड़े मनोयोग से सुना, जय भीम जय भारत। शुक्रिया सूरजपाल चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।